इंडिया में सभी मंदिर गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, पर सभी मस्जिद और इस्लामिक मॉन्यूमेंट्स वक्फ बोर्ड के हैं। वक्फ का मतलब है मुस्लिम चैरिटी के लिए अपनी कोई भी चीज लाइक अपनी जमीन को डोनेट कर देना, जिसके मालिक फिर अल्लाह होंगे। ये स्टार्ट हुआ 1954 में जब पीएम नेहरू ने वक्फ एक्ट पास किया। इसके सेक्शन 85 के अकॉर्डिंग अगर वक्फ को लगता है कि आपकी प्रॉपर्टी उनकी है, तो इसको गलत साबित करने के लिए आप सिविल कोर्ट नहीं जा सकते, बल्कि आपको वक्फ बोर्ड जाके ही एक साल के अंदर केस लड़ना होगा, जहां सभी जुडिशरी मेंबर भी सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के ही होंगे और इसमें सुप्रीम कोर्ट भी पूरी तरह से इंटरफेयर नहीं कर सकती। रिसेंटली 2022 में तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने 6 हिंदू मेजोरिटी विलेजेस के साथ 1500 साल पुराने हिंदू मंदिर को भी वक्फ प्रॉपर्टी क्लेम कर दिया है। आज रेलवे और डिफेंस के बाद वक्फ इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट प्रॉपर्टी ऑनर है, जिसमें इंडिया में करीब 8.5 लाख प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के नाम है। तो कमेंट्स में बताओ कि आपको क्या लगता है, क्या इंडिया जैसी सेकुलर कंट्री में ये एक्ट एग्जिस्ट करना चाहिए एंड ऐसी